बहुत खराब रास्ता है, कभी भी बीच में कोई भी गड्ढा जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। जरा सा बचा टायर, एक इंच और उधर होता तो सीधा गाड़ी नीचे। कहाँ से आया? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ में कल मंदिर जा, हमारे मंदिर जा है। मंदिर? हाँ। अगर आप लोग गूगल पे डालोगे स्पीति वैली, तो स्पीति वैली में जो सबसे पहले फोटो दिखाई देती है ना, वो आई थिंक यही है। अभी भी राजा रहते हैं आपके इधर? अब राजा का वजूद खत्म हो गए। राजा है कुलिंग। और बाधा में है दुनिया का सबसे हाईएस्ट पे पेट्रोल पंप। फाउंडेशन में पत्थर लगाते ना। अच्छा। ऊपर से मिट्टी। ओके। यहाँ की मिट्टी थोड़ा पक्का जैसा, तो मिट्टी गर्म रहता है। मिट्टी गर्म। हमारी हालत तो वहाँ पे चार सीढ़ियाँ चढ़ने में हालत खराब हो रही थी, 2 किलोमीटर पैदल चले। कितना बढ़िया लग रहा है ये सीन, देखो मिट्टी से ऐसे बना हुआ है, अपने आप शेप बना हुआ है मिट्टी से ऐसे। देखो बहुत खराब रास्ता है, कभी भी बीच में कोई भी गड्ढा जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। और रोड ही बहुत छोटी है, इससे आगे तो सोचना ही मत। देखो कहां तक टायर जा रखा है, देखो जरा सा बचा है टायर, देखो जरा सा बचा टायर, एक इंच और उधर होता तो सीधा गाड़ी नीचे। बड़ा खतरनाक रास्ता है, दो बड़ी गाड़ी आ रही है तो 15 मिनट का जाम लग जा रहा है। काजा जाने के लिए ये रास्ता है। तो गाइस देखो ये है मानपुल, डंकार से थोड़ा सा पहले है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो अच्छा क्या व्यू अच्छा है ये देखो। गाइस काजा यहाँ से अभी भी 24 किलोमीटर की दूरी पे है, हमें जाना है धनकर। धनकर जो ढंकर बोल रहा था मैं, वो ढंकर नहीं है, कुछ लोग धानकर बोल रहे हैं, कुछ लोग ढंकर बोल रहे हैं। तो उस साइड गोम्फा है, उस साइड चलते हैं, चलो। तो गाइस पहुँच गए हम लोग ढंकर गांव में। जो स्पीति का आपने फोटो देखा होगा वो इधर ही का है। तो गाइस ढंकर में पहुंच चुके हैं, ये है गोम्फा यानी कि मंदिर। मंदिर के दर्शन करते हैं फिर ऊपर की साइड जाते हैं, वो सीन दिखाते हैं आपको। कहाँ से आया? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ में कल मंदिर जी, हमारे मंदिर जा है। मंदिर? हाँ, सेम जियाल। सेम जियाल? हाँ, सेम सेम शिमला। और इसको क्या बोलते हैं? इसका पुराना मंदिर। पुराना मंदिर उधर है? हाँ वही। अच्छा, और इधर? इधर हमारे वो टूरिस्ट है। टूरिस्ट? हाँ, चाय पीने का। चाय? हाँ। तो हम लोग भी पी सकते चाय? पैसे देना पड़ता है। अच्छा, मंदिर का वो है ना। अच्छा, मंदिर ये पैसा जाएगा, मंदिर को जाएगा। ओके। इतना पैसा आया, ये पैसा जाएगा वो ऐसे ट्रस्ट के। हाँ, ट्रस्ट में काम लोग करता है ना। हाँ, खाना देता है लोग। कितने साल पुराना गाँव है ये? यह तो बहुत पुराना है जी। अच्छा, ओके। तो गाइस पुराना मंदिर तो इधर बता रहे हैं, इधर बता रहे हैं पुराना मंदिर। पूरी खड़ी चढ़ाई थी मेन रोड से, मेन रोड उधर की साइड है, फिर हम लोग निकल जाएंगे काजा की तरफ। बाकी इधर पे होटल रेस्टोरेंट वगैरह भी है, ठीक है। और इधर की भी केव दिख रही है हमें, अगर हम देखें तो पीछे की साइड छोटे छोटे केव दिख रही है उस साइड। बाकी अगर अपने स्पीति की, अगर आप लोग गूगल पे डालोगे स्पीति वैली, तो स्पीति वैली में जो सबसे पहले फ़ोटो दिखाई देती है ना, वो आई थिंक यही है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि सेम ऐसा ही दिखता है वो पहाड़ के ऊपर घर। तो देखो पहाड़ के ऊपर ना उसको कटिंग करके, ये भी पहाड़ी रहा होगा, उसको कटिंग करके उसको घर बनाए गए हैं। जैसे ये पहाड़ है, इसको कटिंग करके उसको घर बना दिए गए हैं, तो वैसे ही है।
बढ़िया लग रहा है काफ़ी। बाकी गुम्फा है, मंदिर है, इसको दर्शन कर लेते हैं ठीक है और आगे निकल लेते हैं। और ये रहा पूरा डंखर गांव, पूरा का पूरा। बाकी साइड होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टेज वगैरह हैं, लोगों के घर हैं, आप लोग जा सकते हैं। हम लोग तो खैर नहीं जा रहे उधर, गाँव में शिफ्ट होकर चले गया। अभी भी राजा रहते हैं आपके इधर? अब राजा का वो वजूद खत्म हो गए। हाँ जी, जय तो है राजा। राजा है, हाँ जी, जय तो है। अभी कुलिंग में है, कुलिंग 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 काजा के पार गाँव नहीं। अच्छा, वहाँ पे रहता है। तो गाइस यहाँ पे ओल्ड मंदिर है, पुराना मंदिर है। ऊपर जो आप देख रहे होंगे लास्ट में टॉप पे, वो राजा का महल हुआ करता था। स्पीति की राजधानी थी डंकर पहले जमाने में। पहले जमाने में कितने साल पहले? राजाओं के जमाने में। अच्छा, राजाओं के जमाने में। अच्छा, और क्या महत्व है इस गांव का आप बता सकते हैं? हाँ जी, महत्व क्या है इस गांव का? सिर्फ राजा की राजधानी थी बस। हाँ जी, बस। और क्या है उस साइड घूमने लायक? राजा का महल है, बाकी वहाँ पे गांव है। राजा का महल भी एक ही रूम में कुछ मूर्ति होगा, बाकी खाली है। अच्छा, निकाल के शिफ्ट करके ले गया। फिर ऊपर आप डंगर लेक है। अच्छी लेक, ज्यादा बड़ी की छोटी है? नाको लेक की तरह तो नहीं है छोटी सी? ना ना, नाको से तो बड़ा है। उससे बड़ा है। और ये कौन सी नदी जा रही है? ये नदी स्पीति नदी, मतलब पिन वैली उधर से आती है। हाँ जी, और यहाँ यहाँ से लालुंग वाला नदी आता है। अच्छा, लालुंग। हाँ जी, स्पीति नदी दिख रही है, बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं। और हमें रात को टेम्परेचर कितना होता होगा? माइनस हो जाते हैं। अच्छा, अभी अरे सारे पुराने घर है ना, मिट्टी के बने हुए हैं? हाँ जी, मिट्टी का। अच्छा, पत्थर नहीं लगे? पत्थर फाउंडेशन में पत्थर लगाते हैं ना। अच्छा, ऊपर से मिट्टी। ओके, यहाँ की मिट्टी थोड़ा पक्का जैसा होता है, नीचे की तरफ नहीं होते। अच्छा अच्छा, फिर यहाँ पे सीमेंट के रूम में फिर ठंड होते ना, बहुत ज़्यादा ठंड। तो मिट्टी गर्म रहता है? मिट्टी गर्म हो जाता है ज़्यादातर लोग। तो गाइस इस साइड का डंकर लेक भी बता रहे हैं, लेकिन 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। वो आपको एक घर दिखाई दे रहा है ऊपर, जहाँ पे वो झंडा लटक रहा है, उसके जस्ट पीछे की साइड है। 2 किलोमीटर का ट्रैक है और पैदल चलना है, हमारे बस की ना भाई, हम तो घर जा रहे हैं। तो गाइस कल कोई मिनिस्टर आ रहा होगा, तो उसकी तैयारी में देखो कैसे झंडे लगाए जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है ना? हाँ यार, देख रहा हूँ कि मिनिस्टर्स के लिए क्या क्या होता है। हमारे लिए ही हो रहा है। नाइस, चलते आगे की तरफ, मुड की तरफ जाते हैं। मुड, MUD, मुड वैली, मुड विलेज। चलता है यार, मेरे को नहीं लगता यार, वो भी यार। अभी ये टेंपल बंद था, इधर वाला खुला था, दर्शन कर लिया हम लोगों ने। तो गाइज मुद विलेज है एक, जो कि नीचे जाके आगे जाके फिर 35 किलोमीटर की दूरी पे है। कच्चा रास्ता है उसका पूरा, 35 किलोमीटर जाना फिर 35 किलोमीटर आना। और अभी बर्फ़ भी नहीं मिलेगी वहाँ पे, तो हम लोग उसको कैंसिल करते हैं। MUD विलेज, हिंदी में बोले तो मुद विलेज, तो हम लोग वहाँ पे जाना कैंसिल करते हैं, क्योंकि इतना पेट्रोल नहीं है हमारे पास। सीधा काजा निकलते हैं यहाँ से, 8 किलोमीटर डाउनवर्ड्स चले, जो कि हम न्यूट्रल में जाने वाले हैं। उसके बाद लगभग 28 किलोमीटर काजा के लिए, क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल है नहीं हमारे पास। तो मुद विलेज को कैंसिल करते हैं। कभी टूर एंड ट्रैवल वाले भैया से पूछा हमने, उन्होंने कहा कि जब स्नोफॉल होती है, जब बर्फ़ होती है, तभी वहाँ पे जाने का फ़ायदा होता है। आजकल तो बर्फ़ भी नहीं है, तो विलेज देख के करना ही क्या है। तो चलो हम आगे की तरफ चलते हैं, जैसा भी रहेगा आप लोगों को बताएंगे। ये तो देख लिया हमने डंकर, स्पीति की पुरानी राजधानी, जहाँ पे पहले राजा रहा करता था, वो जगह दिखा दी दूर से। हम लोग आगे नहीं गए क्योंकि आगे से फोटो लगा रही है और मंदिर भी क्लोज्ड है इस समय, इसलिए यही है देखो पूरा डंकर विलेज। ऊपर डंकर लेक है, बट कौन चढ़ रहा है 2 किलोमीटर की चढ़ाई, वो भी पैदल। समुद्र तल से लगभग 12,280 फीट की ऊंचाई पे हम लोग। हमारी हालत तो वहाँ पे 4 सीढ़ियाँ चढ़ने में हालत ख़राब हो रही थी। 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे फिर वापस आएंगे, तो यार मतलब बहुत टाइम लग जाएगा हमें, कम से कम पूरा दिन निकल जाएगा हमारा। तो गाइस गेट क्रॉस कर दिया हम लोगों ने, अभी हमें जाना है यहाँ से काजा, जो कि 24 किलोमीटर की दूरी पर है। बट ये 24 किलोमीटर भी हमें बहुत ज़्यादा भारी लगेगा, क्योंकि पहाड़ों का किलोमीटर है तो बहुत लंबा लग रहा है। तो दोस्तों हमें लग रही है बहुत ज़ोर की भूख, और यहाँ से लिडांग नाकी पे जगह है, या लीडिंग नाकी पे जगह है, वहाँ चलते देखते कुछ खाने का। तो और काजा में है दुनिया का सबसे हाईएस्ट पे पेट्रोल पंप, सबसे ऊंचाई पे पेट्रोल पंप, यानी कि 14,000 फीट से भी ऊँचाई में पेट्रोल पंप कोई है दुनिया में, तो वो है सिर्फ काजा में, उसके अलावा कहीं नहीं। तो गाइस ये है स्पीति रिवर, एक रिवर उधर से आ रही है, उसका नाम है पिन वैली, उन दो पहाड़ियों के बीच से।
यहाँ से नहीं दिखेगी,